हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम महाकवि सूरदास जी के जीवन परिचय की स्टडी करने वाले हैं और आने वाली वीडियोस में हम हिंदी व्याकरण की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको हम इसी प्रकार से सपोर्ट करना होगा, वीडियोस को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्यूरीज हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, मैं जो भी लेखक और कवि परिचय की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, उनमें सिंपल से सिंपल लैंग्वेज लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको पेन और कॉपी साथ लेके बैठना या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय हमारा, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जनवान थे। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। अगर आपको जो ईयर हैं वो एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप ना लिखें, क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन ख़राब हो सकता है। अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो ही लिखें। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जनवान थे। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। ये उनका बेसिक जीवन परिचय हो गया। इसके बाद उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। तो रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं किसी भी लेखक या कवि परिचय में। आपका 50-60% काम रचनाएं कर देती हैं। तो आपको रचनाओं पर ज़्यादा फोकस करना है। आप जितनी रचना याद कर सकें उस कवि या लेखक की, उतनी रचना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2 या 3 आती हैं। अगर आप 4-5 भी कर लोगे, अगर आप लिख के आओगे, तो इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो पहली हमारी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं सूरदास जी की, आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये हमारी रचनाएं हो गई हैं। उसके बाद है हमारा भाव पक्ष। भाव पक्ष का पहला पॉइंट है भक्ति भाव। तो सूरदास जी कृष्ण भक्त थे, ये सब हम जानते हैं कि सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। सूर की भक्ति सखा भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही उत्तम वर्णन किया है। भक्ति भाव का पहला पॉइंट है, हम सब जानते हैं सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। सूर की भक्ति सखा भाव की है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही उत्तम वर्णन किया है। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला पॉइंट था हमारा भक्ति भाव। दूसरा है हमारा भावुकता। सूरदास जी ने अपने पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। मानव मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन सभी का उन्होंने बड़ी ही अच्छी तरीके से वर्णन किया है। भावुकता सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट है रसों का प्रयोग। तो रसों का प्रयोग, सूरदास जी रस सिद्ध कवि थे। उन्होंने अनेक रसों का प्रयोग बड़े ही सरलता से किया है। शांत रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस प्रमुख रस हैं। रस सिद्ध कवि यानी कि उन्होंने सिर्फ एक ही रस में अपनी रचनाएं नहीं लिखी हैं, बाकी जो और रस हैं उनका भी उपयोग उन्होंने किया है। अगर आपको हिंदी ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं बेसिक से एक हिंदी ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपको बोल रहा हूं कि चैनल आपको सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दूसरा हमारा पॉइंट है वात्सल्य रस का प्रयोग। सूरदास ने बाल चरित्र, शरीर सौंदर्य, माता पिता के हृदय आदि का वर्णन किया है। सूरदास जैसा वात्सल्य रस का वर्णन संसार के किसी अन्य कवि ने नहीं किया। सूर वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है श्रृंगार रस का प्रयोग। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। संयोग और वियोग क्या होता है ये सब भी मैं आपको बताऊंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आचार्य रामसर शुक्ल ने सूरदास के लिए लिखा है, श्रृंगार रस का रस राजस्व यदि हिंदी में कहीं मिलता है तो केवल सूर में। यानी श्रृंगार रस में उन्होंने मास्टरी हासिल की थी। श्रृंगार रस का अच्छी तरीके से सबसे ज़्यादा वर्णन किसी ने किया है तो वो सूरदास जी हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कला पक्ष। कला पक्ष का पहला पॉइंट हमारा आ जाता है भाषा। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। सूरदास जी ने अवधी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। लोकोक्तियों का प्रयोग भी उन्होंने किया है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस पूरे पॉइंट का। भाषा, सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। सूरदास जी ने अवधी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। लोकोक्तियों का भी प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शैली। सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना गेय पद्य शैली में की है। माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली का भी प्रयोग किया है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि इससे ईजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। अलंकार है हमारा, अलंकारों का अति सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का मार्मिक चित्रण किया है। रूपक, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार क्या होता है ये सबकी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सो डोंट वरी, अभी आपको इतना याद रखना है कि अलंकारों का अति सुंदर तरीकों से प्रयोग हुआ है। रूपक, उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का मार्मिक चित्रण किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद
ने कहा है, अलंकार शास्त्र तो सूर्य के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। अलंकार शास्त्र तो सूर्य के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, ऐसा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है सूरदास जी के लिए कि अलंकार शास्त्र तो सूर्य के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू हो करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की जैसे बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। छंद योजना नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूरदास ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। यहाँ तक हमारा कलापक्ष हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है साहित्य में स्थान। तो सूरदास जी ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनका वात्सल्य चित्रण अद्वितीय है। सूरदास जी का जो क्षेत्र था वह सीमित है, पर उस क्षेत्र पर उनका एक छत्र राज है, यानी कि जितना उनका क्षेत्र था, जितनी उनकी रचनाएं थी, उन्होंने बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सजगता से लिखी हैं। हिंदी पद्य साहित्य के आप सूर हैं, इनका हिंदी पद्य साहित्य में अग्रणी योगदान है। भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन का सबसे अनूठा चित्रण सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है, यह इनका साहित्य में स्थान है। इसको हम एक बार और देख लेते हैं, सूरदास जी ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। देखिए आपका जो फॉर्मेट होता है वह होता है, सबसे पहले आपको रचनाएं लिखनी होती हैं, उसके बाद भाव पक्ष, उसके बाद कला पक्ष, और लास्ट में आपको साहित्य में स्थान। अगर आप रचना एग्जैक्ट लिखेंगे और साहित्य में स्थान अच्छे से लिखेंगे तो आपका ये समझिए कि 70-80% काम हो जाता है। तो आपको इन दोनों पॉइंट पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। तो साहित्य में स्थान है हमारा, सूरदास जी ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनका वात्सल्य चित्रण अद्वितीय है, सूरदास जी का क्षेत्र सीमित है, पर उस क्षेत्र पर उनका एक छत्र राज है। हिंदी पद्य साहित्य के आप सूर हैं, इनका हिंदी पद्य साहित्य में अग्रणी योगदान है। भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन का सबसे अनूठा चित्रण सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है। एक बार और हम फिर से देख लेते हैं इसको। सबसे पहले आपको रचनाओं को अच्छी तरीके से देखना है, आपको 4 या 5 रचनाएं याद करनी है, उनमें से आपको 2 या 3 भी एग्जाम टाइम पर याद रहती हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। उसके बाद आपको भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, अगर आपको एग्जैक्ट तरीके से याद है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप नहीं लिखें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी जन्मान थे। इनका निधन सन 1583 ईस्वी में माना जाता है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है तो ही आप लिखें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रचनाएं, रचनाएं हमारी सूरसागर, सूरसालावरी, साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं सूरदास जी की हैं प्रमुख। उसके बाद भाव पक्ष, तो भाव पक्ष का पहला पॉइंट है भक्तिभाव, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद है हमारा भावुकता, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। थर्ड आपका पॉइंट है रसों का प्रयोग, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये संयोग वियोग क्या होता है रस का, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस, इन सब की डेफिनेशंस एग्जांपल के साथ आपको जो हमारी सीरीज होगी उसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो डोंट वरी, अभी आपको याद कर लेना है जो लिखाया जा रहा है उसको, इससे ईजी लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। उसके बाद है श्रृंगार रस का प्रयोग, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कला पक्ष, कला पक्ष का पहला पॉइंट आ जाता है हमारा भाषा, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। सूरदास जी की भाषा ब्रजभाषा का प्रयोग किया है उन्होंने। उसके बाद है हमारी शैली, सूरदास जी ने काव्य रचना गेय पद शैली में की है, माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली का प्रयोग किया है। अलंकार आ जाते हैं उसके बाद, अलंकारों का अति सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है, ये आपको सबका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आप जैसा मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है कंटेंट, अगर आप वैसा लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस नहीं, 100% गारंटी है। उसके बाद साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान और रचनाओं पर आपको विशेष तौर पर फोकस करना है। सूरदास जी ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इनका वात्सल्य चित्रण अद्वितीय है, सूरदास जी का क्षेत्र सीमित है पर उस क्षेत्र पर उनका एक छत्र राज है। हिंदी पद्य साहित्य के आप सूर्य हैं, इनका हिंदी पद्य साहित्य में अग्रणी योगदान है। भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन का सबसे अनूठा चित्रण सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर उनके बारे में लिखना होता है, साहित्य में स्थान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।